अदर का यही गुण आपके लिए सकारात्मक बन गया, ऐसा आप नहीं सोचते हैं? उसी अभी जस्ट फ्रेश कॉन्फ्रेंस के हैं, संदीप लौंडे आईपीएस ऑफिसर हैं, जो कि चर्चित आईपीएस ऑफिसर, जो कि पटना में उन्होंने सेवा काल में जो 9 महीने का सेवा काल उनका रहा, उनमें सोशल मीडिया पे लगातार बिहार के लोग फैन हो गए और आप भी पूरे देश में संदीप लौंडे अपने आप से, अपने नाम से जाने जाते हैं, अपने काम से जाने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने एक बुक लिखा है, बुक का नाम है वुमेन बिहाइंड द लाइन, जो कि तस्वीर उनकी लगी है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है। इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ने के बाद अपने जीवन के लिए समझिएगा कि बहुत बेहतरीन चीज़ है, तो इसको फॉलो करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्या कुछ कह रहे हैं संदीप लौंडे इसी बुक को लिखने के बाद, आप पहले सीधे सुनिए। छोड़ दिया, जमीन बेची, माँ के सारे गहने बेच दिए, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर काम किया। तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जहाँ पे एक पुरानी हवेली टाइप घर थी, तो जब 5 साल के हो गए उसके बाद तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का जो बंदा पड़ता है और जिसके घर में बारिश में जब बारिश होती है तो लगता है कि रात भर बाजू में बैठ के जिसकी बारिश रात निकलती है, धूप होती है तो पूरा कॉर्नर में सो के वो धूप से जो बचने की कोशिश करता है उससे निकलता है, तो ऑब्वियस है कि भाई आपके ऐसे अगर कोई किसी के पिताजी हो तो गुस्सा तो आएगा आपको। आपके बारे में चर्चा की और अपने फादर के बारे में बताया कि कई बार आपके मन में जहन में ये बात आती है, ऐसी बात क्यों आती है? उसका जवाब तो आपको किताब में मिलेगा, क्योंकि अगर बोला जाए तो डिस्क्लोज ही करता हूँ, फादर एडिक्ट है डिफरेंट नशा के, उसके साथ साथ अब नशा करने के बाद आदमी क्या करता है सबको पता है। और फादर एक्चुअली लैंडलॉर्ड थे, जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में जॉब, तो एक मेरे इसमें एक हिंसा की जो प्रवृत्ति थी कि पिताजी के खिलाफ मुझे करना चाहिए, तो माँ के एक डायरेक्शन में वो जो उसको एक स्ट्रीमलाइन हो गया, चैनलाइज किया गया एजुकेशन के माध्यम से, इंजीनियरिंग के बाद में माध्यम से और सर्विस के माध्यम से। और जब मैं स्पेशली पुलिस सर्विस में आया तो ये पीपल ओरिएंटेड सर्विस है और यहाँ पे आपको दोनों चीज़ चाहिए, कलम भी चाहिए और आपके पास में डंडा भी होता है। तो मुझे लगता है कि एक न्यायगत प्रक्रिया जिसको न्याय देने की जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम होते हैं उसके तौर पे उनका जो एक गुण था वो शायद हो सकता है मुझे चैनलाइज डिफरेंटाइज होने से मैं उसमें कुछ कर पाया हूँ। हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि ये कि हर एक की जर्नी आती है, आप कोई भी महापुरुष लीजिए, हम तो ये नहीं बोल रहे कि हम महापुरुष हैं, लेकिन किसी की भी सेलिब्रिटी किसी का भी आप देखिए, आपको कैरेक्टर दिखता है लेकिन उनके पीछे का बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, उसके बारे में कोई बोलता नहीं है, आप उसी का गुणगान गाते हो, अरे भाई उसमें भी किसी का योगदान है जिसने सेक्रीफाइस किया, जिसने उसको बनाया, जिसको हर समय पर हेल्प किया। मैंने बताया कि 13 स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, 13 स्क्रिप्ट जो मुंबई में था उसमें से 4 स्क्रिप्ट अभी ऑलरेडी है, तो उसमें मैंने सोचा नहीं है कुछ, और आगे जैसा दौर बढ़ता है देखते हैं। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? नहीं एक्चुअली मैं बताया कि मेरा नाम अगर पिताजी बुक में भी है पूरा, शुभ भक्त है कट्टर, उन्होंने शंकर जी के नाम से मेरा नाम रखा शिवदीप, हालांकि क्रेडिट उन्हीं का है, नाम तो उन्होंने रखा, कर्तव्य तो भूल गए, तो नाम तो रख दिया, लेकिन क्या है कितने आप सबके नाम है लेकिन आपके नाम की आइडेंटिटी कब होती, पहचान कब होती है? एक जमीन होती है जो आपको पहचान देती है, तो मुझे बिहार ने यहाँ पे पहचान दी, शिवदीप लांडे नाम का एक नाम जो है इस्टेब्लिश किया इस बिहार की धरती ने, किया पावन धरती ने किया, तो ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा जो मैं कभी इसको चुकता नहीं कर सकता है एहसान हो चुका है, तो मुझे जिसने एक पहचान दी आइडेंटिटी दी, तो वो अनुभव के बारे में मैं जरूर लिखूंगा, क्योंकि वो जो दौर था वो दौर एक क्राइसिस वाला दौर था जब मैं महाराष्ट्र से यहाँ आया था इन जॉब के लिए, और आप थोड़ा देखिएगा 7-8-9 के जो ईयर्स के आपको हिस्ट्री में जाएंगे तो पता चलेगा वो दौर कैसे था, और मुझे यहाँ एक्सेप्ट किया लोगों ने, प्यार दिया, मेरे पीछे सपोर्ट में रहे, बस हाँ मेरे बुक में वो एक्चुअली उस टाइप से एनालिसिस नहीं किया गया, लेकिन हाँ वो जो एक एक जिसने ठोकरे खाई है, जिसने सबसे ज़्यादा पेन लिया है, समाज उसको भूल जाता है, जो हीरो है उसको देखते रहता है, उसकी कहानी तो आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि माँ के लिए मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, बाकी तो सारी चीज़ें हर कोई करते ही बेटा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं माँ की जर्नी आनी चाहिए, शायद हो सके कि माँ की जर्नी देखते हुए ऐसे मैंने बताया ना अभी कि वो हर तीसरे या चौथे घर की फैमिली की ये कहानी है, सिर्फ कोई बोलता नहीं है इसलिए है।
आपने सुना जिस तरीके से शिवदेव लांडे ने साफ कहा है कि कोई भी बुक इंस्पिरेशनल होता है, उसको पढ़ने के बाद यदि अपने जीवन में कुछ बहुमूल्य समय के साथ उतारा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और हम सभी लोगों को पढ़ने के लिए वो कहे हैं, हम लोग जरूर पढ़ेंगे। बहुत बहुत तब तक के लिए शुक्रिया।